हाँ नमस्ते, मेरा नाम है पायल रोहतगी। मैं कुछ महीनों से ऑब्वियसली अपने धर्म को समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैं एक अभिनेत्री हूँ जिनको मेरे बारे में नहीं पता। मैं वो इंडस्ट्री से आती हूँ जहाँ पे औरतें कम बोलती हैं, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप अपनी ओपिनियंस बाहर रखेंगे तो आपको काम मिलना बंद हो जाएगा। तो मैं उस इंडस्ट्री से आती हूँ एंड ऑब्वियसली उस इंडस्ट्री से आने के बावजूद मैं अपने थॉट्स रखती हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। आज ऑब्वियसली मैं शुक्रगुजार हूँ एटर्नल हिंदू फाउंडेशन का, द एस्टीम पैनल ऑफ स्कॉलर्स एंड पर्सनैलिटीज हु इन्वाइटेड मी हियर टू टॉक ऑन समथिंग कॉल्ड एज ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑफ सनातन धर्म। ये टॉपिक सुन के मैं थोड़ा डर गई, क्योंकि मैं होती नहीं हूं कोई इतनी बड़ी यू नो पर्सन कि मैं ऐसे टॉपिक के ऊपर अपने विचार रखूं। बट एज अ हिंदू एंड एज अ जागा हुआ हिंदू, आई विल जस्ट शेयर माय पॉइंट्स विद ऑल ऑफ यू जो मैं ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स खुद समझ रही हूं और अपने जो भी फॉलोअर्स हैं उनको समझाने की कोशिश कर रही हूं। मैं ऑब्वियसली जब बड़ी हुई, स्कूल गई, कॉलेज गई, मुझे यही बोला गया कि हम एक सेक्युलर हिंदू हैं, हम सेक्युलर इंडिया में रहते हैं। मुझे ये थॉट प्रोसेस से कोई प्रॉब्लम नहीं थी अब तक, क्योंकि अब मैंने समझा कि सेक्युलरिज्म इज समथिंग विच इज काइंड ऑफ किलिंग अस। हमने ये एक प्रोवर्ब सुना है, अहिंसा परमो धर्म, मगर ये प्रोवर्ब का दूसरा श्लोक है धर्म रक्षित तदेव च। मतलब आप Yes, so claps for that. Because मैंने ये अभी सुना, I believe अहिंसा मनुष्य का परम धर्म होना चाहिए, मगर धर्म की रक्षा करने के लिए अपना you know ड्यूटी करना वो उससे भी ज्यादा परम होना चाहिए। So this is what I have learned now, and this is not what I learned in my schools and colleges. So something is wrong with the word called as secularism in India, क्योंकि भारत में आपको एक हिंदू को बताने की जरूरत नहीं है कि आप सेक्युलर बनो, क्योंकि हिंदू बचपन से ही सेक्युलर है। यह आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हम सब एक थॉट प्रोसेस रखते हैं। एक मिनट, मैं ऑब्वियसली हिंदी भी धीरे धीरे समझती हूं, कोशिश करती हूं कि अच्छी प्रोनाउंसिएशन करूं। जैसे हम सबको पता है स्कूल्स में हमको इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो ऑब्वियसली हम सबको पता है कि वासुदेव कुटुंबकम, कुटुंबकम मतलब हम एक परिवार है और हमारे परिवार के अंदर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, चाहे हम हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, शैविज्म फॉलो कर रहे हो, वैष्णविज्म फॉलो कर रहे हो। तो ये जो थॉट प्रोसेस भारत की है, उस भारत वर्ष में अगर हमको हिंदुओं को ही बोलना पड़ता है कि आप सेक्युलर रहो, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और ये गड़बड़ आई थिंक हम सबके सामने खुलकर आई है जब से ये सरकार आई है, विच इज हैपेंड सिंस 2014। मैंने ऑब्वियसली अपने विचार रखे, क्योंकि बचपन से ही जब मैं मंदिर जाती थी मैंने देखा कि हम गाय की पूजा करते हैं, एंड ऑब्वियसली मे बी शायद मेरी टाइमिंग गलत थी जब केरला फ्लड्स के टाइम पे मैंने कहा कि गाय हत्या पब्लिकली नहीं होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ ह्यूमिलिएटिंग द हिंदू सेंटिमेंट्स, बिकॉज केरला में ये होता है। मे बी द टाइमिंग वॉज रॉन्ग, आई अपोलोजाइज फॉर दैट, बट समवेयर माई थॉट प्रोसेस वॉज करेक्ट। भारत के अंदर पॉलिटिक्स होती है ओवर फूड, और ये हम सबको पता है, मगर अगर लिबरल्स बोलते हैं तो सब कुछ सही है, अगर हम बोलते हैं कि हमारे धर्म में हम गाय को पूजते हैं तो हमें रिग्रेसिव और संघी कहा जाता है। तो ये जो थॉट प्रोसेस है उससे मैं बहुत ज्यादा आई थिंक डिसअपॉइंटेड थी, और मैंने बोला कि चाहे मैं अभिनेत्री का काम करूं एज अ प्रोफेशन, क्योंकि मैं एज अ क्वालिफाइड कंप्यूटर इंजीनियर हूं, तो ऐसा नहीं है कि लाइफ में अगर आप यस आई एम अ क्वालिफाइड कंप्यूटर इंजीनियर विद डिस्टिंक्शन, आई केम इन गुजरात बोर्ड इन माय 12th साइंस, 7th इन द एंटायर गुजरात बोर्ड, यस। सो मैं उस फैमिली से हूं जहां पे पढ़ाई को इंपॉर्टेंस देते हैं, मगर हमारी फैमिली में हम अपने बच्चों को वो करने देते हैं जो उन्हें करना है। सो कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, मेरे को उस टाइम पे वो बात पसंद नहीं आई, एंड माई जर्नी स्टार्टेड ऑफ टॉकिंग फॉर माई रिलीजन
इन द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग माई रिलीजन, बिकॉज मुझे सनातन धर्म ये शब्द के बारे में भी नहीं पता था 5 महीने पहले. आई वॉज सो इग्नोरेंट. तो धीरे धीरे ऑब्वियसली मैं समझने लगी कि कैसे भारत में सिर्फ हिंदुओं को बोलने की जरूरत नहीं है कि आप सेक्युलर बनो. भारत में बहुत सारे विभिन्न धर्म के लोग हैं जिनको यह जरूर बोलने की जरूरत है कि आप सेक्युलर बनो. भारत माता की जय. मैं कल एक अवार्ड फंक्शन में गई, वहां पे मुझे अवार्ड दिया एज अ इन्फ्लुएंशियल सेलिब्रिटी जो पॉलिटिकली एक्टिव है, और वहां पे मैंने स्टेज पे जाके बोला भारत माता की जय, एंड सब लोग मुझे देख रहे थे क्योंकि वहां पे ऑब्वियसली मैं अपनी इंडस्ट्री के तरीके से गई थी, एंड दे वर लाइक शॉक्ड. क्यों क्यों हम सोचते हैं कि भारत माता की जय बोलने से या जय हिंद बोलने से या वंदे मातरम बोलने से हम प्रोग्रेसिव नहीं कहलाएंगे. तो ये जो थॉट प्रोसेस है, ये थॉट प्रोसेस को हमें एड्रेस करना है, और यही हमारे को रोक रहा है फ्रॉम बिकमिंग अ सुपर पावर. भारत को ये थॉट प्रोसेस रोक रहा है, और ये थॉट प्रोसेस के सीड्स हमारे अंदर ऑब्वियसली 70 साल जिन्होंने रूल किया उन्होंने डाला, उनसे पहले अंग्रेजों ने डाला, उनसे पहले मुगलों ने डाला. क्योंकि सनातन धर्म ने कभी किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं किया, हमारे धर्म के अंदर फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं था, मगर उसके बावजूद हमें हरदम बोला जाता है कि हमारा धर्म रिग्रेसिव है, हमारा धर्म में बहुत जुल्म होता है औरतों के ऊपर. सो वी एज हिंदूज नीड टू कम आउट एंड टॉक. मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी बेसिक फिलॉसफी को भूल जाए कि गुड कर्मा करना चाहिए, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम है ना भगवान पे छोड़ देंगे, जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा. अच्छी बात है, आप भगवान पे छोड़ दीजिए, मगर कभी कभी तो स्टैंड लीजिए अपने लिए, अपने धर्म के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए. इसलिए मैं अपना इनिशिएटिव करती हूं, मैं यहां पे आई हूं, इन्होंने मुझे प्यार से बुलाया, और मैं अपनी तरफ से अपने विचार आप लोगों के सामने रखूंगी, क्योंकि जो भी जितना प्रेरित होए वो आगे जाके सनातन धर्म की खूबसूरती को पूरे विश्व में बढ़ाए. इसके अलावा थैंक यू. इसके अलावा मैंने यहां पे देखा योग. मैं ऑब्वियसली एक योगी हूं, एंड ये योग की जर्नी भी मेरे साथ कुछ साल पहले शुरू हुई जब मेरे मंगेतर संग्राम जी मेरे लाइफ में आए, बिकॉज वो एक रेसलर है एंड वो अखाड़ा एंड नेचुरल वर्कआउट में बिलीव करते हैं. तो तब से मेरी एक योग का एक यू नो बॉन्ड चालू हुआ. मगर हम एज अ भारतीय भी योग के एडवांटेजेस को नहीं समझते. क्यों? क्योंकि हमें बोला गया है कि जो भी हमारा कल्चर है, जो भी हमारा हेरिटेज है, वो रिग्रेसिव है, वो डाउन मार्केट है. तो ये जो थॉट प्रोसेस है, ये थॉट प्रोसेस को हमें अटैक करना है. मगर इसको हमसे बेहतर लोगों ने कैसे अटैक किया? हमने देखा कि योगा इज इंटरनेशनली फेमस, वी हैव अ इंटरनेशनल योगा डे. हमने ये देखा कि बाहर अमेरिका हो, रशिया हो, बाहर फॉरेन कंट्रीज, क्योंकि हम इंडियंस को बोला गया है कि फॉरेन कंट्रीज में जो होता है वो अच्छा होता है, तो वो फॉरेन कंट्रीज में जब से योगा होने लगा हम खुश हो गए कि हाँ ओ माय गॉड हमें भी योगा करना चाहिए. बट हम बेवकूफों को यही नहीं पता कि योगा तो भारत में ओरिजिनेट हुआ था. सो दिस इज द थॉट प्रोसेस दैट वी नीड टू डील विद, एंड आई एम ट्राइंग टू डू माय बिट, क्योंकि मैं जितना कर सकती हूं खुद समझ के वो लोगों के लिए करने की कोशिश कर रही हूं. एक और चीज मैंने समझी, मैं आज तक अपना बर्थडे मनाती थी बाय ब्लोइंग द कैंडल्स ऑन माय केक. जी हां, मैं अपना बर्थडे मनाती थी बाय कटिंग अ केक एंड ब्लोइंग द कैंडल्स. जिस दिन मैंने ये किया लास्ट ईयर, मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आए कि पायल आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, हिंदू धर्म में कैंडल्स को बुझाते नहीं है अपने जन्मदिन पर, आपको कैंडल्स लाइट करने चाहिए. तो इस बार नवंबर में जब मेरा जन्मदिन आएगा, आई विल मेक एन एफर्ट टू लाइट दिया. मैं केक खाऊंगी मगर केक काटते हुए कैंडल बुझाते हुए फोटोग्राफ और वीडियो शेयर नहीं करूंगी, बिकॉज दिस इज वॉट आई हैव लर्न्ड दैट दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ माई कल्चर एंड आई नीड टू अंडरस्टैंड माई कल्चर. तो ये उम्र में आके, जी हाँ, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस माई एज विद यू बिकॉज लड़कियां अपनी एज नहीं बताती, बट इन दिस एज आई हैव रियलाइज्ड कि केक काटना इज नॉट अ पार्ट ऑफ सनातन धर्म. सो सनातन धर्म की खूबसूरती ये है कि हमारे देश के अंदर विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं और सब धर्म के लोग
लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती है। जी हाँ, इंडिया इज अ वेरी पॉपुलेटेड कंट्री, मगर इसके बावजूद जैसे मेरे से पहले स्पीकर सैवियो जी ने कहा कि माइनॉरिटी को टारगेट किया जाता है, ये टैगलाइन प्रमोट किया गया है इंडिया के अंदर। सो कलेक्टिवली आई होप फाउंडेशंस कम अक्रॉस, जो हिंदुओं को हिंदू होने पर शर्मिंदगी ना महसूस होए वो करने का कार्य करे, क्योंकि हम हिंदू हैं, वी शुड बी प्राउड टू बी बॉर्न इन सच अ ओल्ड रिलीजन, वी शुड बी प्राउड दैट हम हिंदू हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों के वंशज भगवान राम से हैं, और भगवान राम कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, और हम हिंदुओं इतने साल तक साल के होने के बावजूद अभी तक भगवान राम का मंदिर नहीं बना सके, दिखाता है कि हमसे ज्यादा सहनशील और कोई नहीं है। सो माई रिक्वेस्ट टू एवरीबडी, बी प्राउड ऑफ योर हेरिटेज। एंड जब इस टॉपिक का सब्जेक्ट है ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑफ सनातन धर्म, आई थिंक इन रीसेंट टाइम्स ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑफ सनातन धर्म हुआ जब आर्टिकल 370 निकल गया, क्योंकि आज तक पूरे विश्व में किसी ने आवाज नहीं उठाई जब कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ। जी हाँ, मुझे भी नहीं पता था कि 1990 में इतनी बुरी तरह से उनका जेनोसाइड हुआ, मगर आज बिकॉज आर्टिकल 370 को निकाला है, हमें पता चला है कि दुनिया में कितने दोगले लोग रहते हैं, क्योंकि इंटरनेट शटडाउन को वो जेनोसाइड का रूप दे रहे हैं, मगर वो कन्वीनियंटली भूल गए कि कश्मीरी पंडित को मारा गया, 30 साल से उनको निकाल दिया गया उनके घरों से, और उनके लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई, मगर आज ये लोग नकली ड्रामा करते हैं अबाउट मोबाइल शटडाउन बिकॉज कश्मीर के अंदर कश्मीरी मुस्लिम रहते थे, तो कहीं ना कहीं उनकी हिपोक्रेसी शटडाउन हो रही है। और पैन वर्ल्ड मैप पे इंडिया फिर से आई है, क्यों? क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशनली आर्टिकल 370 को निकाला है, थैंक्स टू द प्रेजेंट गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। सो हिंदू, बी प्राउड यू आर हिंदू, बिकॉज आपकी वजह से ये देश क्या कहते जिसका उत्पन्न हुआ है। सो लेट्स मेक एन एफर्ट, क्योंकि आज का टाइम है सोशल मीडिया का, आप लोग मेरे मोबाइल में कैमरा में वीडियोज ले रहे हैं, तो ये टाइम है अपनी आने वाली जनरेशन को एजुकेट करने का कि हम किस महान रिलीजन को बिलोंग करते हैं, हमारी हेरिटेज कितनी पुरानी है, एंड वी शुड बी प्राउड हिंदू एंड प्राउड इंडियंस। धन्यवाद, नमस्कार।